नमस्कार, मैं कशिश, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन स्पिरिचुअल। पंचांग के अनुसार आज 16 दिसंबर 2021 गुरुवार को मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी की तिथि है। आज गुरुवार को भरणी नक्षत्र और चंद्रमा का गोचर मेष राशि में हो रहा है। गुरुवार का दिन भगवान विष्णु जी को समर्पित है। आज का दिन आपके लिए कैसा रहेगा, तो आइए बताते हैं आपको राशिफल। मेष राशि, आज के दिन दूसरों की अनचाही मदद करने से बचना चाहिए। वही ऑफिस में भी सभी के कार्यों में मदद करें, साथ ही क्रिएटिव कार्य को करना आपके लिए बेहतर रहेगा। हो सकता है कई लोग आपकी किसी बात पर सहमत ना हो, लेकिन इस बात पर ध्यान ना दें, नहीं तो कार्य बाधित हो सकता है। फाइनेंस का काम करने वालों के लिए परेशानी बढ़ती नजर आ रही है, दूसरे विकल्पों पर भी ध्यान दें। हेल्थ में मुंह और गले से संबंधित कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। बड़े भाई को उनके परिश्रम का आर्थिक लाभ के तौर पर फल मिलने की संभावना है। वृषभ राशि, आज के दिन कामकाज को सही तरीके से करने के लिए उनकी लिस्ट तैयार करें। ऑफिशियल कार्यों में अच्छे परिणाम पाने के लिए आपको अधिक मेहनत करनी चाहिए। व्यापारियों को आवश्यकता से ज़्यादा धन खर्च करने से बचना होगा, नहीं तो आर्थिक स्थिति बिगड़ सकती है। कानून की पढ़ाई कर रहे युवाओं के लिए समय बेहतर है। सेहत में दिनचर्या और खान पान में संतुलन बनाए रखें। स्वास्थ्य में गिरावट होने की आशंका है। वहीं अर्थराइटिस के रोगियों को नियमित रूप से एक्सरसाइज में लापरवाही नहीं करनी चाहिए, अन्यथा परेशानी बढ़ सकती है। जीवन साथी की सेहत को लेकर भी सचेत रहना होगा, उन्हें सावधानी बरतने की सलाह दें। मिथुन राशि, आज के दिन काम में मन नहीं लगने पर मानसिक भटकाव से जूझना पड़ सकता है। दूसरों के बहकावे में आकर खुद को भ्रमित ना करें। वही कार्यस्थल पर महत्वपूर्ण डील का हिस्सा बनेंगे, लेकिन कानूनी कार्यवाही पूरी रखें, अन्यथा अच्छे अवसर हाथ से निकल सकते हैं। व्यापारी वर्ग आर्थिक गतिविधियों को लेकर संकित रहेंगे। युवा वर्ग को महत्वपूर्ण कार्यक्रम में सम्मिलित होने का मौका मिल सकता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से कमर में दर्द और नसों में खिंचाव होने की आशंका है। आज दूसरे शहर व देश में रहने वाले रिश्तेदारों से फोन पर हालचाल ले सकते हैं। पारिवारिक वातावरण अच्छा रहेगा। कर्क राशि, आज के दिन खर्च को लेकर संयम दिखाने की जरूरत है। वर्तमान के ऑफर और लाभ देखकर कतई खर्च न करें। यदि नौकरी से रिलेटेड परेशानियां चल रही है तो उसमें कुछ स्थितियां संभलती हुई नजर आ रही है। लकड़ी का कारोबार करने वालों के लिए समय नुकसान भरा हो सकता है। विद्यार्थियों को आज अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा। स्वास्थ्य संबंधित समस्या परेशान कर सकते हैं, खासकर सर्दी जुकाम को अनदेखा ना करें। गुनगुने पानी का सेवन अधिक करते रहे। जीवन साथी से किसी बात को लेकर विवाद हो सकता है, इसलिए उनकी बातों को समझने के बाद ही उसका उत्तर देना बेहतर होगा। सिंह राशि, आज के दिन मेहनत से भागना नहीं है, क्योंकि नकारात्मक ग्रहों की चाल आलसी बनाकर महत्वपूर्ण कार्य को बिगाड़ सकती है। ऑफिस में भी काम का दबाव बढ़ सकता है। बॉस के प्राथमिकता कामों पर फोकस करें। वही कार्यस्थल पर बदल रही परिस्थितियों को देखते हुए नौकरी छोड़ने का विचार आ सकता है। ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करने वालों को लाभ होगा। विद्यार्थी वर्ग ऑनलाइन पढ़ने के लिए अपने मित्रों के साथ ग्रुप स्टडी करना लाभकारी रहेंगे। हेल्थ में ठंडी चीज़ों के सेवन से बचे। किसी पुराने मित्र से फ़ोन पर बात होगी और उसकी ओर से कोई शुभ सूचना मिलने की भी संभावना है। कन्या राशि, आज के दिन सीमित व्यवहार रखें। परिजनों से मतभेद की आशंका है। विरोधी आपको व्यर्थ मुद्दों पर फंसाकर भटकाने का प्रयास करेंगे, तो वही दूसरी ओर कोशिश करें कि किसी विवाद में ना उलझे। कर्म क्षेत्र में अगर आप टीम लीडर हैं तो अपने साथियों पर कठोर नियम लागू करने से बचना चाहिए। कारोबारियों को नए संबंधों के साथ निवेश बढ़ाने का मौका मिलेगा। कामकाज की दौड़ धूप में व्यवस्था बनी रहेगी। स्वास्थ्य को लेकर दूषित वातावरण सांस के रोगियों के लिए परेशानी बन सकता है। घर से नौकरी या काम के सिलसिले में यात्रा पर निकल रहे हैं तो माता पिता के चरण स्पर्श करके ही जाएं। तुला राशि, आज के दिन जहां एक और आय में कमी होती दिख रही है, वहीं दूसरी ओर खर्चों की लिस्ट भी लंबी होगी। शिक्षा क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए लाभ की प्रबल संभावनाएं बन रही है। वहीं कोई नया व्यापार शुरू करने जा रहे हैं तो पूरे उत्साह से बढ़े। विद्यार्थियों का पढ़ाई में मन कुछ कम लगेगा, इसलिए परेशान ना हो। सेहत की बात करें तो जिन लोगों को थायराइड की समस्या है, उन्हें नियमित दवाइयों का सेवन करना होगा। नज़दीकी रिश्तेदार से बेवजह की बात को लेकर तनाव हो सकता है। वृश्चिक राशि, आज के दिन खुद को ऊर्जा से भरपूर और सकारात्मक रखें। महत्वाकांक्षी योजनाएं पूरी होने की संभावना है। ऑफिस में कामकाज को लेकर नई जिम्मेदारियां उठाने के लिए पूरी तरह तैयार रहे। वही टेलीकम्युनिकेशन से जुड़े लोगों को अच्छा लाभ होगा। कारोबारियों के लिए भी दिन शुभ रहने वाला है। युवाओं को नशे से दूर रहना है। लापरवाही या गलत संगत बड़ा नुकसान कराएगी। स्वास्थ्य को लेकर लीवर के रोगियों को अलर्ट रहने की सलाह है। नए रिश्तों को थोड़ा समय देने की ज़रूरत है। घर में सभी से स्नेह का व्यवहार करें तो वही दूसरी ओर बड़ों से आपको भी प्यार और स्नेह प्राप्त होगा।
धनुराशि, आज के दिन आर्थिक लाभ पाने के लिए प्रयास बढ़ाने होंगे, परिश्रम के साथ आगे बढ़े। कार्यस्थल की बात करें तो ऊर्जावान रहते हुए ऑफिस के काम को अंजाम दे पाने में कामयाब रहेंगे। खाने पीने या रेस्टोरेंट का कारोबार करने वालों को आज घाटे का सामना करना पड़ सकता है। युवा वर्ग अपने मित्रों के साथ नए प्रोजेक्ट का प्लान कर सकते हैं। तो वही विद्यार्थी वर्ग सबक अध्ययन के बजाय मजबूत पक्षों पर ध्यान दें। स्वास्थ्य के लिहाज से स्टोन के मरीजों को दर्द का सामना करना पड़ सकता है। परिवार और कार्यस्थल पर सभी लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करना होगा। मकर राशि, आज के दिन अपने व्यवहार और हंसी मजाक के तरीके से आप लोगों का दिल जीतने में सफल रहेंगे। आपका पूरा दिन प्रसन्नता के भाव से भरपूर रहेगा। तो वही घर या कार्यस्थल की छोटी छोटी बातों को लेकर मूड ऑफ करने से बचना चाहिए। व्यापारियों को सभी तरह के महत्वपूर्ण निर्णय लेने से आसानी होगी। वही बैंक से अटका हुआ काम भी सुलझता हुआ दिखाई देगा। युवाओं को भविष्य का अनुमान लगाते हुए करियर के रास्ते खोजने होंगे। स्वास्थ्य को लेकर गठिया रोग से जूझ रहे मरीजों को दर्द का सामना करना पड़ेगा। घर में आग लगने की आशंका है, सुरक्षा को लेकर अलर्ट रहे। कुंभ राशि, आज का दिन सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर रहेगा। अपने मन पसंदीदा कार्यों को वरीयता दें। जरूरी काम पर फोकस बनाए रखें और कार्यस्थल पर लापरवाही या नियमों के उल्लंघन से बचें। अच्छे प्रदर्शन से बॉस से सराहना मिलेगी। पार्टनरशिप में काम कर रहे कारोबारियों के लिए लाभ की स्थिति बन रही है। युवाओं को भविष्य की सिर्फ कल्पना करने से ही समय बर्बाद करने से बचना चाहिए। सेहत के लिए अनिद्रा नुकसानदेह हो सकती है। वही मोबाइल, टीवी या लैपटॉप का अधिक प्रयोग मानसिक स्थिति के लिए ठीक नहीं। पारिवारिक मामलों पर अपनी बातें गहरी चोट दे सकते हैं। ऐसी स्थिति में बातों को अनदेखा करना ही सही रहेगा। आखिर में बात कर रहे हैं मीन राशि की। बता दें कि आज के दिन करीबी लोग आपका मनोबल बढ़ाएंगे। सभी के साथ बातचीत करते हुए अपनी बातों को उनसे साझा करें। ऑफिशियल ज़रूरी कामों को प्राथमिकता से निपटाने में गलती की गुंजाइश नहीं रहेगी। सॉफ्टवेयर से जुड़ा कारोबार करने वाले लोग सजग रहे। महत्वपूर्ण डाटा या कंटेंट का नुकसान हो सकता है। युवा वर्ग व्यर्थ की चिंताओं में ना उलझे तो बेहतर होगा, नहीं तो इसका सीधा असर स्वास्थ्य में गिरावट कर सकता है। स्वास्थ्य को लेकर ब्लड प्रेशर के मरीजों को सतर्कता बरतनी चाहिए। परिवार को आपसे बहुत अधिक उम्मीदें हैं। अपने फैसलों में इस चीज का ध्यान रखें। सामाजिक मेलजोल में बढ़ाने की जरूरत है। ये जानकारी और आज का राशिफल आपको कैसा लगा है कमेंट कर जरूर बताएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।